फल, सब्जियां, ज्वार और बाजरा जैसी चीज़ें आपको ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि ये न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं बल्कि पृथ्वी के लिए भी। ये कहा गया है यूनाइटेड नेशंस की IPCC स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज की ताज़ा रिपोर्ट में। और क्या क्या कहा गया है IPCC स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज में, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे। फल और सब्जियां, ज्वार और बाजरा टाइप के अनाज, अगर इन टाइप के आप खाना ज़्यादा खाएं, यानी कि वेजिटेरियन खाना, तो ये ना केवल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। ये लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई है IPCC, यानी कि इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो स्पेशल रिपोर्ट है, जो रिश्ता देखती है लैंड यानी ज़मीन और क्लाइमेट चेंज के बीच में, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारी चॉइसेस जो हैं, चाहे वो किस तरीके का खाना खाते हैं या ज़मीन के ऊपर हम क्या करते हैं, इससे डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट चेंज का, और क्लाइमेट चेंज का प्रभाव डायरेक्टली पड़ता है ज़मीन पे। तो रिपोर्ट जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और साइंटिफिक रिपोर्ट जो अभी निकल के आई है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जहाँ एक तरफ क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई है, उसके कारण जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट, यानी कि जो एक्सट्रीम गर्मी या जब बारिश जो पड़ती है तो जम के बारिश पड़ती है, तो ऐसे इवेंट्स जो हैं इनकी तादाद जो है बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर इनसे निपटना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम सोच समझ के ज़मीन का इस्तेमाल करें। उस ज़मीन का हम क्या करें, अगर जंगल काटें और उस पर खेती करें, उससे भी प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट चेंज पे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जहाँ एक तरफ 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जिनको मोटापे का शिकार है या उनका वज़न ज़्यादा है, वहीं दूसरी तरफ करीबन 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए सही मात्रा में खाना नहीं है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा चिंता का विषय है रिपोर्ट के हिसाब से। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि करीबन 25-30% पूरा भोजन जो है वो नष्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है। तो बहुत सोच समझ के अगर काम किया जाए तो फिर सिचुएशन से निपटा जाएगा। दरअसल क्लाइमेट चेंज के साथ ये रिपोर्ट जो है जुड़ी हुई है, क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटना है, और रिपोर्ट में ये भी कई काफ़ी उदाहरण दिए हुए हैं कि किस तरीके से अगर सोच समझ के स्टेप्स लिए जाएं तो क्लाइमेट चेंज से निपटा जा सकता है। दरअसल अगले महीने सितंबर में नई दिल्ली में एक विश्व स्तर की एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इस रिपोर्ट के ऊपर डिटेल चर्चा होगी, ताकि भूमि को कैसे बचाया जाए बंजर होने से और उसका सही उपयोग कैसे किया जाए, ताकि क्लाइमेट चेंज से भी निपटारा किया जा सके। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।